शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो माय मंचकिंस, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और मेरे साथ आप एंजॉय करने जा रहे हैं डीप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगे 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। वैसे तो कहते हैं कि दिल बच्चा है जी, दिल हमेशा बच्चा रहता है, आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ मगर अगर दिल में ख्वाहिश जागती है चॉकलेट खाएं, बिस्किट्स खाएं, घूमें, जंप करें, शाउट करें, इसका मतलब आप छोटे बच्चे ही हो। वैसे साइंटिस्ट ये कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि आपकी पूरी बॉडी सेल्स के साथ बनी है, आप जानते हो ना, और ये कोई भी सेल 11 महीने पुराना नहीं होता। दैट मींस कि जब भी कोई सेल 11 महीने का हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी जगह पर आ जाते हैं नए सेल्स। इसका मतलब आपकी उम्र बढ़ती है मगर आपकी बॉडी हमेशा रहती है ब्रांड न्यू। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। आपको पता है मछलियां वैसे तो पानी में स्विम करती हैं, मगर एक ऐसी मछली है जो फ्लाई करती है और 400 मीटर तक वो फ्लाई कर सकती है, इसे कहा जाता है फ्लाइंग फिश। ओ माय गॉड, और जब उड़ती है ना सब लोगों का जॉ डाउन हो जाता है और सब कहते हैं OMG। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे केक खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं मनोज से पूछती हूँ। मनोज हेलो। हेलो, हाय। अच्छा मनोज, ये बताओ कि क्या तुम्हें भी केक खाना पसंद है? बिल्कुल अच्छा लगता है केक खाना। अच्छा, फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? चॉकलेटी। क्या बात है। आपको पता है बच्चों, तरह तरह के कस्टमाइज केक आजकल बनाए जा रहे हैं, कोई डॉग की शेप का, कोई ट्री की शेप का, कोई डॉल की शेप का, और कोई हॉर्स की शेप का, है ना, ऑक्टोपस की शेप का। मगर अब सेल्फी केक भी बन रहे हैं, बहुत सारे जो बेकर्स हैं उन्होंने कोशिश की, मगर 2020 में नैतिलिया नाम की एक बेकर थी जिसने अपनी सेल्फी ली और फिर सेल्फी का केक बनाया। इस केक को बनाने में उसे तकरीबन 40 घंटे लगे, बट वो इतना परफेक्ट है ऐसे लगता है वाकई नैतिलिया खड़ी है और अपनी सेल्फी ले रही है। वाओ, अमेजिंग। आई होप कि आपके लिए भी मैं जल्दी ही कुछ ऐसा पिक्चर लेके आऊंगी या वीडियो कि आप में से भी किसी ने कोई ऐसा केक बेक किया है, यू नेवर नो। हेलो जी, आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, स्पेशली डिस्कवरी पे, कि बड़े बड़े से होटल्स दिखाए जाते हैं जो कि आइस से बने होते हैं, है ना। इग्लूज भी आपने देखा होगा कि जो आइसमैन होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। बात ऐसी है कि जो कोलोराडो है यूएसए में, वहां पे एक आइस का इतना प्यारा कैसल बनाया गया है और उसमें लाइट एंड साउंड का इतना कमाल का इफेक्ट दिखाया गया है कि दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं और लाइट एंड साउंड का मजा लेते हैं। भाई हम इंडियन किसी से कम हैं क्या? आपको पता है हमारे कश्मीर में गुलमर्ग में एक आइस कैफे बनाया गया है। इस कैफे को बनाने में तकरीबन 16 डेज लगे हैं और इस कैफे में तकरीबन 15-16 लोग बैठकर कॉफी का आनंद ले सकते हैं। चेयर्स भी बिल्कुल आइस की बनी हुई है और वो अंदर से इतना गर्म है, मजेदार है, और ऐसे माहौल में आइस का एक कैबिन बना हो और आप कॉफी पी रहे हो, यू आर ब्लेस्ड मैन, यू आर ब्लेस्ड।
की परी हूँ मैं। हर डॉटर अपने पापा की परी होती है, क्योंकि जो डॉटर्स हैं वो पापा के साथ बहुत अटैच्ड होती हैं। मम्मा के साथ थोड़ा झगड़ा कर लेती हैं, मगर पापा के साथ तो हमेशा बना के रखती हैं। तो मैं जैसे अपने पापा की परी हूँ, मेरे पास आई है एक छोटी सी परी, मैं करूंगी मैजिक और वो मेरे पास आ जाएगी। आब्रा का डाबरा आजा आ गई। हाँ जी बेटी, क्या नाम है आपका? स्मनवी। स्मनवी, स्मनवी एक थम्स अप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा स्मनवी, ये बताओ कि आप डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखती हो? यस। अच्छा मैं कौन हूँ? मोनिका मैम। अरे वाह। अच्छा सारे दोस्तों को बताओ कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आपको इससे क्या सीखने को मिला? ये बहुत अच्छा है, ये हमें हेल्पफुल रहना सिखाता है, काइंड and caring and teaches us some good values. Oh, very good. अच्छा स्मनवी, मुझे ये बताओ कि आप अपने पापा से ज्यादा प्यार करते हो कि मामा के साथ? दोनों के साथ। हाँ। अच्छा आपको अपने पापा की बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है? कि वो मेरे साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अरे वाह, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है जो पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। और मम्मा के हाथ की बनाई सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है? सभी अच्छी लगती है। नहीं नहीं, एक फेवरेट बताओ। एक फेवरेट अगर करनी हो तो मम्मा Oh my God, इसका मतलब मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। हाँ yes. चलो मुझे भी किसी दो जल्दी से। चलो थैंक यू वेरी मच। और भी दिखने में जादू करूंगी और ये भाग जाएगी। आब्रा का डाब्रा। तो ये था जादू और हमारी प्यारी सी जादू की गुड़िया। तो चलिए अब एक आपको बहुत प्यारी सी सॉन्ग सुनाते हैं, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे फिर से दुनिया में जिसका नाम है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी फहरिस्त अपने सारे दोस्तों की। नए नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं और मेरे को इतना मजा आ रहा है कि हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है। तो ये जो नए दोस्त हैं ये हैं विकास मदान, आनंदी, जसजोत, बलजोत,
नजमा खान, एलसी आर्यन, अंजू ढिंगरा, प्रभलीन, देन मनिंदरजीत, योगेश, जतिन गौतम, सबरीन, चीमा, रुपिंदर कौर, दीप्ति बेदी, राजदीप कौर, गुरजीत कौर, सैकी, देन आशु, देन सुखमिंदर, सुखजिंदर, सुखविंदर, देन सुहानी, वाव, विवेक तलवार, गुरसिमरन सिंह, हरप्रीत कौर, राजदीप कौर, गुरसिमरन कौर, अर्शप्रीत सिंह, कमलजीत, हरसिमरत खुल्लर एंड जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी ने बहुत प्यारा क्यूट सा मैसेज किया है, कहते मैम जो जैत एक वीर है और गुनबीर है ये आपके बहुत फैन है, आप जब भी डिप्स हरियाणा में आओगे तो प्लीज इनको जरूर मिलना। श्योर सर श्योर, अभी हमारे स्कूल सारे शुरू हो जाए फिर देखिए, वैसे तो शुरू हो चुके हैं बट एग्जाम्स चल रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द चिल्ड्रन। वंस वील स्टार्ट द न्यू सेशन आई गो एंड मीट एवरी चाइल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो 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 मच। मुझे जाने दो भाई, अब मुझे जाना है। देखो अब आज का तो प्रोग्राम हो गया खत्म, अब मुझे कल की भी प्लानिंग करनी है। ओके नाउ आई हैव टू गो, यू प्लीज गो बैक टू योर स्टडीज, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और रात को सोने से पहले हल्दी डालकर दूध जरूर पीना, आप सुबह इतना फ्रेश होके उठोगे। और तब तक मैं और मनोज कल के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, कल फिर आऊंगी लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल।